तो इस वीडियो में आपको पेटीएम और जंगली रमी के एक ऑफर के बारे में बताऊंगा, जहां पे आप 60 से 70 रुपये कैशबैक अर्न कर सकते हैं पर पेटीएम अकाउंट पे। आप पेटीएम फर्स्ट पॉइंट को पेटीएम फर्स्ट पॉइंट से जंगली रमी का एक कूपन कोड बाय कर सकते हैं और उस कूपन कोड को बाय करके जितना भी अमाउंट आपको मिलता है उस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कैसे बाय करना है और आपको सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आपने करना क्या है, तो जैसे ही आप पेटीएम को ओपन करते हो तो आपको कैशबैक एंड ऑफर सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर पेटीएम फर्स्ट पॉइंट वाला ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर आप 500 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट को देके जंगली रमी का एक 100 रुपीज़ का बोनस कोड बाय कर सकते हो। उस बोनस कोड को आप अपने जंगली रमी वॉलेट के अकाउंट से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे करना है ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपने क्या कर लेना है, मोबाइल पर 500 बोनस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको एक बोनस कोड यहाँ पे वाउचर कोड या बोनस कोड आपको मिलता है, इस पर रिडीम नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रिडीम नाउ पे क्लिक करते हो तो आप जंगली रमी की साइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर और बोनस कोड को पेस्ट कर देना है और रजिस्टर फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करने के बाद में जंगली रमी की इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे आपने क्या करना है 3-डॉट मेन्यू पे क्लिक करना है और आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली, जहाँ पे अपना नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका जो भी सारी जहाँ पे डिटेल है फिल कर देना है, सही से फिल करना है, नहीं तो आपका जो KYC होगा वो फेल हो जाएगा। ये करने के बाद में 24 आवर्स आपको वेट करना है। यहाँ पे 24 आवर्स के बाद में आपके जो जंगली रमी वॉलेट के डिपॉजिट बैलेंस पे 100 रुपीज़ आएगा, इसको आने में 24 to 48 आवर्स लगते हैं। इसके बाद में जैसे आपके वॉलेट में आते हैं, आपने KYC में 3 मेनू पे क्लिक करके KYC वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप वोटर ID, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड कुछ भी देके आप वेरीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपकी KYC वेरीफाई होती है तो आपने अपने वॉलेट में 25 से 40 रुपये ऐड कर लेना है। 25 या 40 रुपीज़ को ऐड कर लेना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 40 रुपीज़ ऐड कर लीजिए। जैसे आप 25 या 40 रुपीज़ ऐड कर लेते हैं तो आपको गेम प्ले करना है। आपको 4 गेम प्ले करना है। पहला गेम प्ले करना है 20 रुपीज़ का। आपको गेम प्ले पूरा नहीं खेलना है, आपने बस 20 रुपीज़ वाला एंट्री फी वाला गेम खेलना है और जैसे ही कार्ड शेयर हो जाते हैं तो आपने गेम को लीव कर देना है। तो आप जैसे ही गेम को लीव कर दोगे तो आपसे कुछ थोड़ा अमाउंट आपसे आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का जो भी अमाउंट होगा आपके विड्रॉ बैलेंस में चला जाएगा। फर्स्ट आपने 20 रुपीज़ वाला खेलना है, इसके बाद में आपने 8 रुपीज़ वाला ऐसी गेम खेल के लीव कर देना है। तो आप जैसे 2 गेम खेलोगे आपके जो भी डिपॉजिट बैलेंस था वो विड्रॉल बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका जो अमाउंट है 100 रुपीज़ शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको और 2 गेम खेलना होगा। एक 80 रुपीज़ वाला गेम खेलना होगा, उसमें भी जाके आपने गेम को ऑन चालू होने देना है और जैसे कार्ड बढ़ते हैं तो आपको गेम को लीव कर देना है। उसके बाद में आपने 20 रुपीज़ वाला एक गेम फिर से खेलना है। जैसे आपके सारे गेम कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो अमाउंट था डिपॉजिट वाला वो डिपॉजिट वाला अमाउंट आपके विड्रॉ बैलेंस में चला जाएगा। विड्रॉ बैलेंस में जैसे ही जाता है आप उस विड्रॉ बैलेंस को ऑटोमेटिकली 100% विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको जैसे ही आपने 40 रुपीज़ ऐड किया था 40 रुपीज़ और आपको जो विड्रॉल बैलेंस मिला 110 रुपीज़, तो आपको 60 से 70 रुपीज़ का जो भी होता है कैशबैक आपको इंस्टेंट मिल जाता है। तो ये ट्रिक थी। आपने क्या करना है, पहले वाउचर कोड को रिडीम कर लेना है, इसके बाद में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और 24 आवर्स वेट करना है। 100 रुपीज़ जैसे ही मिलता है KYC कंप्लीट कर लेनी है। KYC जैसी अप्रूव होती है आपकी, KYC अप्रूव होने के बाद में आपने गेम प्ले करना है। पहला गेम प्ले 20 रुपये का करना है, इसके बाद में आपने गेम को लीव कर देना है। इसके बाद में आपने 8 रुपये वाला गेम प्ले करना है, उसको भी लीव कर देना है। तो आप जैसे ही 2 गेम लीव कर देंगे तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो विड्रॉ बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपने 80 रुपये वाला फ्री 80 रुपये फी वाला और एक 20 रुपीज़ फीस वाला गेम एक बार फिर से प्ले करना है और गेम को लीव कर देना है। जैसे आप ये 4 गेम खेल के लीव कर दे तो आपका जो अमाउंट है वो आपके विड्रॉ बैलेंस में चला जाएगा। जैसे मेरा जो अमाउंट था विड्रॉ बैलेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके 100 रुपीज़ रिडीम लगाता हूँ तो मुझे अपना अमाउंट 24 to 48 आवर्स मिल जाता है। ये किसी किसी केस में इंस्टेंट भी मिल जाता है या किसी किसी केस में 24 to 48 आवर्स लगता है। तो ये थी ट्रिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।